हेलो गाइस, दिस इज डीजे एंड वेलकम टू माय चैनल टेक एंड गेमर अड्डा। सो वापस आया हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ और एक नई ट्रिक के साथ। सबसे पहले जो ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ नीचे लाइक के बटन को प्रेस करके और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मेरा वीडियो शेयर करें और जो नए वीडियो आने वाले हैं उनसे अपडेटेड रहें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो आज का वीडियो है व्हाट्सएप के बारे में। जी हाँ, व्हाट्सएप के बारे में कुछ ऐसी न्यू ट्रिक्स हैं और पुरानी ट्रिक्स भी हैं जो नहीं पता है लोगों को। आज मैं आपको उन ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा प्रैंक कर सकते हैं और थोड़ा यू नो उनको शॉक कर सकते हैं कि यार ये भी होता है व्हाट्सएप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना नॉर्मली व्हाट्सएप खोला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ ये सब डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए, तो जो पहली ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो भी टाइप करते हैं और सेंड करते हैं वो नॉर्मल फॉन्ट में जाता है, राइट? बट कैसे आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और इसमें किसी के एप्लीकेशन की नीड नहीं होती है। ये व्हाट्सएप में इनबिल्ट फीचर दिया रखा होता है जो कि हाइड होता है और जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको बोल्ड में कुछ भी भेजना है तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में स्टार ढूंढना होगा एंड उसके बाद कुछ भी आप टाइप करिए। जैसे मैं अपने चैनल का नेम टाइप करता हूँ, ओके? और जैसे ही मैंने ये टाइप करा और आखिर में टाइप करने के बाद वही स्टार लगा दीजिए, उसको सेंड कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने टाइप करा वो बोल्ड लेटर्स में चला गया है। दूसरी ट्रिक पे आते हैं। अगर आपको इटैलिक में भेजना है तो आपको सबसे कीबोर्ड पे सिंबल्स पे जाइए और ये एक टिल्ट साइन होगा, इस पर क्लिक करिए और मैं यही सेम टाइप करता हूँ, टेक एंड गेम। सॉरी, राइट? तो ये एक्चुअली सॉरी इटैलिक नहीं है, ये आपका सबस्क्रिप्ट टाइप का है, ठीक है? जैसे कि आप नॉर्मल एमएस वर्ड चलाते होंगे तो उसमें देखते होंगे, देख रही है, काफी क्रिएटिव लग रहा है। अगला आता है इटैलिक। तो इटैलिक के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे अंडरस्कोर का साइन ढूंढना होगा, ये रहा, और मैं फिर से वही टाइप करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये इटैलिक में सेंड हो चुका है। तो ये थी पहली ट्रिक कि आप कैसे जो भी व्हाट्सएप के फॉन्ट होते हैं जो आप मैसेज सेंड करते हैं उसको कैसे डिफरेंट टाइप के यू नो फॉन्ट्स में इटैलिक, बोल्ड एंड सबस्क्रिप्ट ऐसे भेज सकते हैं। तो चलिए दूसरी ट्रिक के बारे में आते हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है, राइट, तो कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और बाद में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कोई जोक भी हो सकता है। तो इसके लिए व्हाट्सएप में एक फीचर दे रखा है स्टार रेट इंपॉर्टेंस का, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस मैसेज पर क्लिक किया, ऊपर एक स्टार आप देख रहे होंगे, मैं जैसे यहाँ पे प्रेस करूंगा ये मैसेज आपका स्टार रेट हो गया है। फिर उसके बाद मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ स्टार रेट मैसेज। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहले के मैसेजेस हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैसेज स्टार्टेड हो चुका है, मैं इसको कभी भी पढ़ सकता हूँ। आप यहाँ से मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं और अनस्टार्टेड भी कर सकते हैं। तो ये रही दूसरी ट्रिक। अगली ट्रिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगली ट्रिक के बारे में ये है कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं। जी हाँ, हैक होने से। आपको पता है व्हाट्सएप एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? बट इसमें हैकिंग का खतरा भी है। जी हाँ, होता क्या है, अगर कोई भी बंदा है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे web.whatsapp.com ओपन करेगा और अगर आपने अपना फोन उसको 2 या 3 मिनट के लिए दे रखा है, वो नॉर्मली अपना कैमरा ऑन करके एक QR कोड आएगा स्क्रीन पे, उसको स्कैन कर लेगा, ठीक है? और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका व्हाट्सएप उसके लैपटॉप, उसके डिवाइस, उसके कंप्यूटर सब कुछ सारे मैसेजेस वो शो हो रहे होंगे, वो उनका रिप्लाई भी कर सकता है आपके बिहाफ पे और कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर सकता है, राइट? तो इससे बचना कैसे, आपको कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप वेब पे जाना होगा और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तो खैर मेरे ही लैपटॉप से कनेक्ट है,
तो इसमें मेरा दिखा रहा है, बट अगर आप अगर यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ऐसा कोई भी डिवाइस देखते हैं जो कि आपने कभी कनेक्ट नहीं किया, तो समझ जाइए कि आपका व्हाट्सएप के मैसेजेस ट्रैप हो रहे हैं, आपका व्हाट्सएप कोई बिना आपके एक्सेस परमिशन के एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स पे क्लिक कर देना है। ओके, ऐसा करने से होगा ये कि वो जो भी बंदा था उसके लैपटॉप से या कंप्यूटर से आपका अकाउंट बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव हो चुका होगा और उसको फिर से स्कैन करना होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे कि आप अपना मोबाइल ऐसे किसी को ना दें, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा गाइस, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड प्लीज़ सिक्योर रहिए, व्हाट्सएप को सिक्योर रखिए और इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। ठीक है, सो गाइज अगली ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप पे क्या होता है, तीन टिक्स होते हैं राइट। एक होता है सिंगल टिक, डबल टिक और ब्लू टिक। सिंगल टिक का मतलब होता है कि सेंडर के जरिए जो मैसेज भेजा गया है वो सेंड उसके साइड से हो चुका है, डबल टिक का मतलब आपके पास डिलीवर हो चुका है, और ब्लू टिक का मतलब सेंडर को पता चल जाता है कि आपने वो मैसेज रीड कर लिया है। तो कई लोग होते हैं यार कि यार मैं इसको रिप्लाई नहीं करना चाहता बट इसके मैसेज जरूर पढ़ना चाहता हूँ, है ना। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब बेसिकली ये कि आप अपने ब्लू टिक कैसे हाइड करें, सामने वाले बंदे को पता ही ना चले कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई भी मैसेज है ठीक है, उस पर डबल टिक लगे हैं, तो आप सबसे पहले सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स करने में अकाउंट प्राइवेसी, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रीड रिसिप्ट करके, इसको ऑफ कर दीजिए। जब सिंपली आप इसको ऑफ करेंगे और कोई भी बंदा अगर आपको मैसेज भेजता है और डबल टिक उसके में लग जाएंगे, आप मैसेज पढ़ लेंगे बट ब्लू टिक उसके में शो नहीं होगा। तो ये काफ़ी क्रिएटिव चीज़ है राइट, आप ये कर सकते हैं। और जैसा ऐसा आपको अगर किसी बंदे या बंदी के मैसेज पढ़ने हैं, कोई आते हैं और आप उनका रिप्लाई नहीं देना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, मैं नेट बंद कर देता हूँ अपना। ठीक है, तो अब अगली ट्रिक बहुत ही क्रिएटिव है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी कुछ इमेजेस होती होंगी जो आपके फ्रेंड आपके साथ प्रैंक करते होंगे राइट, कि आप देख रहे हैं इमेज कुछ और है, जैसे आपने उसको डाउनलोड किया तो बैकग्राउंड में कुछ और इमेज हो जाती है ना। काफ़ी लोग प्रैंक करके परेशान करते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो मैं बताता हूँ कि ये करते कैसे हैं लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की नीड होगी, उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो दिस इज द एप्लीकेशन इमेज प्रीव्यू चेंजर राइट, मैंने इसको ओपन करा, मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनल इमेज अपनी सेट करनी होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपनी गैलरी पे रिडायरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एल्बम आर्ट पे जाके और जो भी मेरे पिक्स पड़ी हैं मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये है ओरिजिनल इमेज और प्रीव्यू इमेज। ठीक है, सो दिस इज द ओरिजिनल इमेज, दिस इज द प्रीव्यू इमेज। ठीक है, मैंने इसको शेयर विद व्हाट्सएप यहाँ से करा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ही मैंने इसको सेंड किया तो मेरा डेटा भी ऑन नहीं है, तो यहाँ पे सेंड हो रही है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जैसे इसको सेंड करेंगे तो आपको तो ओरिजिनल इमेज ही शो होगी, बट सामने वाले बंदे को जो आपने पहले प्रीव्यू इमेज लगाई होगी डाउनलोड से पहले वो शो होगी, और जैसे ही वो डाउनलोड करेगा तो उसको ओरिजिनल इमेज शो होगी। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के क्रिएटिविटी के अनुसार अपना कोई भी इमेज ऐसे लगा सकते हैं, कोई स्टार्टिंग में कोई अच्छी सी कोई भी एक्ट्रेस की फोटो लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई भी फनी पिक लगा सकते हैं, अपने दोस्तों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, अब मैं अगली ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। होता क्या है कि कोई ग्रुप है ठीक है, ग्रुप में होता है क्या, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको आपका फ्रेंड है, चलिए ग्रुप नहीं है, कोई पर्टिकुलर चैट हो रही है, आपका फ्रेंड है आपको बोल रहा है कि भाई कल कॉलेज जाए थे या फिर आज कॉलेज जाओगे, आप हाँ ना करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये बंदा मेरी कौन सी बात का रिप्लाई कर रहा है। तो आपको पर्टिकुलर किसी मैसेज का रिप्लाई करने के लिए क्या करना होगा मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस मैसेज का रिप्लाई करना है, तो मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पे एक देखिए यहाँ सिंबल आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे इसको प्रेस किया और यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा हाय। ठीक है, तो जब सामने वाले बंदे पर मैसेज जाएगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि इस बंदे ने इस पर्टिकुलर मैसेज का ये रिप्लाई मुझे सेंड किया है, भेजा है।
तो ये काफी अच्छी चीज है कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो शायद आपको नहीं पता होगी, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो होप सो ये आपको अच्छी लगी होगी ट्रिक। तो चलिए अगली ट्रिक के बारे में बताता हूँ, ब्लैंक मैसेज भेजना। जी हाँ, प्ले स्टोर पर काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि ब्लैंक मैसेज भेजने में हेल्प करती हैं, और आप अपने दोस्तों को परेशान भी कर सकते हैं उससे। बट होता क्या है, वो सिक्योर नहीं होती, आपके व्हाट्सएप को कहीं ना कहीं वो एक्सेस कर रही होती है। ठीक है, तो खैर आपको किसी भी एप्लीकेशन की नीड नहीं है, आप सिंपली अपने कीबोर्ड से ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कीबोर्ड ओपन करना होगा, और कीबोर्ड ओपन करने के बाद ये जो आपका ऊपर है ये आपको प्रेस करना होगा। 3 बार प्रेस किया, और जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रेस करने पर स्पेस करा है, फिर से 3 बार प्रेस किया। जैसे मैं प्रेस करूँगा, मैं सेंड करूँगा, तो एक ब्लैंक मैसेज सेंड हो जाएगा। तो आपके फ्रेंड भी सरप्राइज हो जाएंगे कि यार इस बंदे ने ब्लैंक ब्लैंक मैसेज कैसे भेजा, आपसे पूछेंगे। बहुत क्रिएटिव चीज़ है, आप चाहें जितना बड़ा मैसेज चाहे अपना ब्लैंक करके भेज सकते हैं, जितना स्पेस देना हो दीजिए। एंड आफ्टर दैट लास्ट में फिर से 3 बार। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, और आप इससे अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली ट्रिक के बारे में आते हैं। अगली ट्रिक बहुत ही अच्छी है, पर इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की नीड होगी, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। ये एक प्रैंक के लिए है, तो मैं यही कहूँगा सबसे कि ऐसा गलत फ़ायदा मत उठाएं, ये सिर्फ प्रैंक के लिए है, दोस्तों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए, किसी भी गलत यूज़ करने के लिए नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है फेक चैट कंजर्वेशंस। जी हाँ, फेक चैट जो भी आप कंजर्वेशंस होती हैं, और कोई भी फेक चैट क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की नीड होगी, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। ये एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ उसको यूज़ कैसे करना। जब इसको ओपन करेंगे तो एक ऐसा एक इंटरफेस आएगा, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ न्यू फेक चैट। यहाँ पे आपको जिस भी बंदे की फेक चैट बनानी है, आप यहाँ पे इमेज से आप गैलरी जाके सिलेक्ट कर लीजिए कि उसकी व्हाट्सएप की करंट इमेज क्या है। ओके, यूजर का नाम दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया अमित दिया मैंने। ठीक है, और लास्ट सीन टेस्ट कर लीजिए कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप ऑनलाइन राइटिंग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, चेंजेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा उसका ट्यूटोरियल दे रहा है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप का इंटरफेस आ गया है। ठीक है, जैसे कि मैं कोई मैसेज टाइप करता हूँ हाई, जैसे मैंने हाई टाइप किया तो यहाँ पे देखिए 2 एरो आ रहे होंगे। जो फर्स्ट वाला एरो है वो ये दिखाएगा कि वहाँ से मैसेज आया है सेंडर के थ्रू, और ये वाला एरो दिखाएगा कि मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ। तो जैसे मैंने हाई करके पहला मैसेज भेजा, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि वहाँ से मैसेज आया है, और मैंने वो भेजा हेलो, तो ऐसा लग रहा है मैंने मैसेज भेजा, और देखिए रीड भी हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्रिएटिव चीज़ है, आप अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी कोई प्रैंक चैट बना के इसका स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों को परेशान कर सकते हैं। ओके, और प्रैंक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें काफ़ी ऑप्शन है, आप फेक वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो होप सो ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब लास्ट ट्रिक के बारे में बढ़ते हैं। लास्ट ट्रिक है आपकी कि व्हाट्सएप में तो थोड़ा ग्रीन टेस्ट करके कैसे आप मैसेज भेज सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एप्लीकेशन की नीड होगी, जो कि मैंने अपने वीडियो के लिंक पर उसको डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है। इसका नाम है राइट इन इमोजी। तो जैसे कि इसमें दिखा रहा है एंटर टेस्ट, मैंने टेस्ट एंटर करा, मैंने जनरेट करा, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे वे में आ रहा है, मैंने इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली अपने व्हाट्सएप पे जाता हूँ और इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए टेक एंड गेमर है ना, ऐसे ब्लू कलर के फॉन्ट में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सामने वाले बंदे को भी थोड़ा लगेगा कि यार बंदे ने कैसे भेजा है, राइट। तो गाइज फिलहाल तो ये थी आज की व्हाट्सएप की सारी ट्रिक्स, जो कि शायद ही आपको पता हो, बट आप पता चल गई है तो उसका यूज़ करिए, और अपने दोस्तों से खूब मौज मस्ती करिए, प्रैंक करिए, और काफ़ी इसमें काम की भी चीज़ है, अपने फ़ोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं, व्हाट्सएप को कैसे हैक होने से बचा सकते हैं ये भी है इसमें।
तो इसका भी यूज़ करिए। होप सो गाइस कि ये आपको पसंद आया हो, मेरी ट्रिक्स पसंद आई हो, और अगर आप ऐसे ही नए नए वीडियो चाहते हैं मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर फैमिली, एंड एवरीवेयर पर भी शेयर करें, जहाँ मन हो आपका वहाँ शेयर करें। बस प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड मैं अगला वीडियो जो लाने वाला हूँ वो बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी के फ़ोन को कैसे हैक कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, मैं जल्दी नया वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।